subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next question is, find the area of the given quadrilateral ABCD. Figure में आपको एक quadrilateral given है, जिसकी सारी sides और एक diagonal की values भी given है. इस पूरे quadrilateral का हमें area find out करना है. Let us see how. First of all, जो quadrilateral हमें given है, उसका नाम है ABCD and उसकी चार sides और एक diagonal की सबकी values हमें given है. So by looking at the quadrilateral, आप ये कह सकते हैं कि इस quadrilateral को जो diagonal है, वो दो triangles में divide कर रहा है. So the quadrilateral ABCD is divided into two triangles. सबसे पहले हमें identify करना होगा कि जो दो triangles में वो divide हो रहा है, उन दो triangles के names क्या हैं? So first of all, the first triangle जिसमें वो quadrilateral divide हो रहा है, it is ABD, and the second triangle जिसमें वो divide हो रहा है, it is BCD. So हम सबसे पहले Heron's formula first में लगाएंगे, फिर second में लगाएंगे, and दोनों को add कर देंगे तो complete quadrilateral का area हमारे पास आ जाएगा. So सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी में आपको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना. सो टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हमने उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को ऐड कर दिया, दैट इज 5 + 4 + 7, फिर उसको 2 से डिवाइड किया, सो वी गेट 8 सेंटीमीटर एज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. अब इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. फाइनली एस A, B and C, ये चार वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज S इज इक्वल टू 8, A इज 5, B इज 4 एंड C इज 7. सारी वैल्यूज हमने पुट की, पुट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1. फर्दर स्क्वायर रूट अगर हमने निकाला तो वी गेट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम सेकेंड ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल बी सी डी का एरिया सेम तरीके से फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 + 8 + 5 डिवाइडेड बाय 2. इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आया 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अगेन इसमें सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो यू नो दैट हेरॉन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. नेक्स्ट एस ए बी एंड सी, इन तीनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू एस इज 10, ए इज 7, बी इज 8 एंड सी इज 5. फर्दर सॉल्व करने के बाद वी गेट 10 इंटू 10 माइनस 7 दैट इज 3, देन 10 माइनस 8 दैट इज 2 एंड 10 माइनस 5 दैट इज 5. फर्दर स्क्वायर रूट करने के बाद वी गेट 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल.